देश में स्वच्छता का नया आंदोलन आज से शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन की पहल की। पीएम ने स्वच्छता ही सेवा आंदोलन शुरू किया है। स्वच्छता ही सेवा आंदोलन का आयोजन 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के 4 साल पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है। और देखिए, इस बार 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जयंती का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये उनकी 150वीं जयंती का अवसर होगा। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर को पूरे होने में 2 अक्टूबर को 4 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस मौके पर हम आपको एक जरा तस्वीर भी दिखाते हैं। आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं, बैकग्राउंड में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा इसे समझिए। एक तरफ है कुतुब मीनार जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर में कूड़े का वो ढेर जिसकी ऊंचाई 65 मीटर तक पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ 8 मीटर अगर ये ऊंचाई और बढ़ती है तो कुतुब मीनार को भी गंदगी का जो ये ढेर है पार कर जाएगा। तो स्वच्छ भारत की एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए जरा स्थिति क्या है, क्या इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा, क्या लोग इसे लेकर भी सजग होंगे, सरकारें सजग होंगी। आपको बता दें आज का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री 18 अलग अलग जगहों पर विभिन्न क्षेत्र के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पीएम ने संबोधन में स्वच्छता को आदत बनाने की बात कही है। तो दो तस्वीर आपके सामने, एक तरफ प्रधानमंत्री की लगातार कोशिश, लोगों से अपील कि भारत स्वच्छ हो, लेकिन दूसरी तरफ जरा आप देखिए राजधानी दिल्ली का क्या हाल है। कूड़े का पहाड़ तैयार हो चुका है और उसकी ऊंचाई करीब करीब कुतुब मीनार के करीब पहुंच चुकी है। कूड़े के निस्तारण पर जोर दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि देश स्वच्छ कैसे होगा अगर शहर शहर कूड़े के पहाड़ बनेंगे तो कैसे देश की आबो हवा साफ होगी। तो स्वच्छता का नया आंदोलन शुरू हुआ है, बहुत ही नेक काम प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन जरूरत इस बात की भी कि कूड़े के ये ढेर भी समाप्त हो। और जिस डंपिंग ग्राउंड का हमने आपसे जिक्र किया गाजीपुर में जो है, उसकी जरा कुछ तस्वीरें भी देखिए, वहां पर किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है और कैसे, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि जो इसकी ऊंचाई है आप देख रहे हैं मेरे पीछे 65 मीटर तक पहुंच चुकी है ये ऊंचाई, और कुतुब मीनार की अगर हम बात करें उसकी ऊंचाई 73 मीटर है, यानी सिर्फ 8 मीटर और ये ऊंचाई बढ़ती है तो कूड़े का यह पहाड़ कुतुब मीनार को पार कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। ये देखिए आपके सामने 3 तस्वीर है, कूड़े का विशाल पहाड़ रोज फेंका जाता है यहां पर करीब 2800 मीट्रिक टन कूड़ा। बदबू से बेहाल है दिल्ली के लोग, आसपास के लोग जो इस डंपिंग ग्राउंड के आसपास के मोहल्ले हैं, वहां के रिहायशी इलाके में जो लोग रहते हैं वो त्रस्त हैं। तो दिल्ली में ये कूड़े का कुतुब मीनार कह सकते हैं आप, चूंकि इसकी ऊंचाई अब करीब करीब कुतुब मीनार तक पहुंच चुकी है। तो दिल्ली का कुतुब मीनार राष्ट्रीय धरोहर स्मारक जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है और 65 मीटर का यह डंपिंग ग्राउंड हो चुका है। और हम आपको लिए चलते हैं इस डंपिंग ग्राउंड पर और दिखाते हैं वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र यहां पर पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। मानव का स्वभाव होता है कि जब वो किसी ऊंची जगह पर पहुंचता है तो उसे बड़ा अच्छा महसूस होता है क्योंकि वहां से नजारे खूबसूरत दिखते हैं, स्वच्छ हवा उसे मिलती है। लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा एहसास नहीं हो रहा, जबकि मैं 65 मीटर ऊंची एक जगह पर मौजूद हूं। ये जगह है गाजीपुर लैंडफिल साइट, जहां पर पूर्वी दिल्ली का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है और इस वजह से इस जगह की ऊंचाई अब 65 मीटर पहुंच चुकी है, जो जल्द ही कुतुब मीनार की ऊंचाई यानी 73 मीटर तक पहुंच सकती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, अभी भी ट्रकों से कूड़ा आ रहा है, डाला जा रहा है और उसको समतल, उस कूड़े को समतल करने की प्रक्रिया भी जारी है अलग अलग मशीनों के जरिए। आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 2500 से 3000 मीट्रिक टन कूड़ा पूर्वी दिल्ली का इस गाजीपुर लैंडफिल साइट पर रोज़ाना डाला जाता है। लगभग 500 ट्रक कूड़ा रोज़ यहां पर गिरता है और इस वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती ही जा रही है। तकरीबन 70 एकड़ में ये पूरा लैंडफिल साइट फैला हुआ है, लेकिन अब ज़मीन नहीं बची है और इस वजह से कूड़े का जो ढेर है उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती चली जा रही है। मेरे बगल में आपको मैं ये तस्वीरें दिखाता हूँ कैमरा पैन करके, नीचे की आप तस्वीरें देखिए, ये इस ऊंचाई से आप ये पूर्वी दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो हैं वो छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, जो गाड़ियाँ हैं सड़क पर वो माचिस के डिब्बे की तरह नज़र आ रही हैं। और इस तस्वीर के ज़रिए हम आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि गाजीपुर लैंडफिल साइट अब कितना ऊंचा हो गया है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें छोटी सी नज़र आ रही हैं
और ये जो ऊंचाई है ये तकरीबन अब 65 मीटर के आसपास है, 65 मीटर से ऊपर ही होगी। और बताया जा रहा है कि इसी तरीके से ऊंचाई बढ़ती रही तो जल्दी जो कुतुब मीनार की ऊंचाई है वहां तक ये पहुंच जाएगी और उसको भी पार कर जाएगी, जहां पर मैं आपको बताऊं सांस लेने लायक स्थिति नहीं है और इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कूड़े का जो पहाड़ है वो सिर्फ देखने में ही खूबसूरत बदसूरत नहीं लगता, बल्कि यहाँ वायु प्रदूषित है। इसकी वजह से जो नीचे का पानी है, यानी जो धरती के नीचे का पानी है, वो प्रदूषित हो गया है। आसपास के लोग किन हालातों में रहते हैं इसका एहसास करना भी बहुत मुश्किल है। ये ऊंचाई दिल्ली के लिए बेहद ख़तरनाक है और जितनी जल्दी इसका निदान निकाला जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये समस्या अब एक ऐसे खतरनाक बम का रूप ले चुकी है जो जिस दिन फूटेगी पता नहीं क्या होगा। कुछ ही महीनों पहले, लगभग साल भर पहले, हमने देखा था कि यहाँ पर पहाड़ का, कूड़े के पहाड़ का एक टुकड़ा नीचे गिरा था ज़मीन पर और जिसकी वजह से उसकी चपेट में आकर के दो लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद कुछ वक्त के लिए यहाँ पर कूड़े का डाला जाना रोका गया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि और कोई विकल्प नहीं है, इस वजह से एक बार फिर पहले की तरह ही कूड़ा यहाँ लगातार डाला जा रहा है और इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। जाहिर सी बात है एक ऐसे वक्त में जब फिर से देश भर में स्वच्छता अभियान को लेकर के तरह तरह के कार्यक्रम आपको होते हुए नज़र आएंगे, पूछने की ज़रूरत है शासन में बैठे लोगों से, सरकार में बैठे लोगों से, कि एक तरफ ऐसे कार्यक्रम जो बड़े सुहावने होते हैं, बड़ा अच्छा संदेश देते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर जो बदलने का नाम नहीं ले रही बल्कि बदसूरत से और बदसूरत, खतरनाक से स्थिति और ख़तरनाक होती जा रही है। आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी? कैमरामैन राजेश कुमार के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली। और मेरे पीछे जो ये सेट है इसे एक बार फिर से आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए स्थिति किस कदर विस्फोटक हो रही है। हमने एक दरअसल एक तुलनात्मक अध्ययन किया है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ दिल्ली का कुतुब मीनार जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है, दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली का यह कूड़े का भंडार जिसकी ऊंचाई 65 मीटर तक पहुंच चुकी है, यानी करीब 8 मीटर और अगर यह ऊंचाई बढ़ती है तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है उसे भी पार कर जाएगा कूड़े का यह ढेर। इसी से आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि हालात किस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं। सवाल यही कि अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, कूड़े का निस्तारण नहीं होगा तो क्या ऐसे ही स्वच्छ होगा इंडिया? जब ये लैंडफिल साइट बनाए गए थे तब ये आबादी से दूर थे, लेकिन अब इसके मुहाने तक लोगों के घर बन गए हैं। स्थानीय निवासियों की मुश्किलों की कल्पना आप कर भी नहीं सकते। कितनी ये होती है कि एक तो यहाँ पे पानी का वाटर लेवल बहुत ज्यादा खराब हो गया है और यहाँ पे जो एटमोसफेयर है वो भी उसकी वजह से खराब हो रहा है टोटली, और वहाँ से जो बदबू आती है वो रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, हाँ, उन पर क्या बीतती है? वो बहुत मुश्किल से सस्टेन कर पा रहे हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो रही है कि काउंट नहीं कर पाते। बच्चे इतने बीमार रहते हैं यहाँ के, बेसिकली इसी वजह से होता है, उनको तो पता नहीं होता क्यों हो रहे हैं बट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्मेल आती है खत्ते से, इससे परेशानी होती है। हमारी तरफ तो स्मेल कम आती है, उस तरफ ज़्यादा आती है जिस तरफ उस पल्ली साइड आदमी रहते हैं। बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, पानियों में गंदगी बहुत ज़्यादा है, स्मेल है। टोटी का सप्लाई का पानी नहीं है यहाँ पे, तो इधर तीधर से भर के अपना सप्लाई करते हैं या फिल्टर वगैरह लगवाते हैं, उससे सप्लाई होती है घर के लिए, होता है रूज। बोरों में पानी खत्म हो चुका है, कोई जानवरों के लिए पानी नहीं है, किसी के लिए पानी नहीं है। ये कूड़ा यहाँ से हटना चाहिए वैसा, कैसे जो आप जैसे सोचेंगे, हम जैसे करेंगे सब मिलके उस जैसे हटे। इसमें गैस इतना होता है, आग अपने आप लग जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और जैसे एकदम बदबू स्मेल आती है। हम सरकार से मतलब ना, हमारे यहाँ से हटना चाहिए। और दिक्कत तो होगी, जिस तरीके से कूड़े का ये ढेर लगातार ऊंचा होता जा रहा है, 65 मीटर, आप सोचिए भला 65 मीटर तक इसकी ऊंचाई हो चुकी है, दूसरी तरफ कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंचा और 8 मीटर का सिर्फ फर्क रह गया है। अगर 8 मीटर और इसकी ऊंचाई होती है कूड़े की ढेर की तो यह कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है उससे भी ऊपर कूड़े का यह ढेर पहुंच जाएगा। ऐसे में लोगों को दिक्कत हो रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष कुलदीप कुमार बता रहे हैं कि गाजीपुर लैंडफिल साइट से आसपास के लोगों को कैंसर तक की समस्या से जूझना पड़ रहा है, लेकिन कोई हल निकलता नजर नहीं आता।
पिछले 11 सालों से भाजपा दिल्ली की नगर निगम में सत्ता में बैठी हुई है। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे में स्वच्छ भारत का बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर पूरी दिल्ली के अंदर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छ भारत जब दिल्ली की तरफ चलता है या देश के अलग राज्यों में चलता है तो फेल नजर आता है। चाहे मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान रहा हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो निगम के अंदर, कोई भी अभी तक इस कूड़े के ठोस प्रबंधन को नहीं कर पाया है। सबसे पहले तो कूड़े का ढेर लग ही क्यों रहा है? ये अभी इन्होंने कहा था NH24 के अंदर हम लोग कूड़ा डालेंगे, लेकिन वो नहीं डल पाया, वहाँ पर नहीं डल पाया। नई नई जगह लोग तलाशते हैं, फिर उसी पर अपने विरोध करते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में उसका विरोध होना लाजमी है। विरोध तो इसलिए होगा नई लैंडफिल साइड का, क्योंकि दिल्ली के लोगों को कूड़ा नहीं चाहिए, कूड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए। वो चाहते हैं कूड़ा खत्म हो, उससे बिजली बने। इनके जितने प्लांट कूड़े से बिजली बनाए चल रहे हैं, आज आप जाके देखिए पीछे इनके प्लांट्स हैं, वो उतनी बिजली भी उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो कूड़ा कर पा रहे हैं। यूपी का कूड़ा लाके दिल्ली के अंदर डाला जा रहा है और दिल्ली के कूड़े को यहां जमाया जा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा एक घोटाला है। और अब इस मुद्दे पर जब हमने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर विपिन बिहारी से बात की, उनका जवाब गोलमोल था। मेयर साहब का दावा है कि रोजाना आने वाले कूड़े के आधे हिस्से से तो बिजली ही बना ली जाती है, सब ठीक रहा तो 6 महीने में यहां कूड़ा फेंका जाना बंद हो जाएगा। आपको बता दूं कि हमारे जो बेस्ट एनर्जी प्लांट 1500 टन का चल रहा है, देखिए ये सारी समस्या बहुत दिनों से सालों साल से होते हुए आया है, आज एक दिन में तो निपट नहीं सकता, लेकिन निपटने का क्या प्रावधान हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये माने रखता है कि हम उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं। हम आगे भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने का प्लान बना रहे हैं कि और हम बनाएं, जो 1500 टन हमारा खपत हो रहा है और 1500 टन का हम बना दें ताकि उसमें और कूड़ा ये हो जाए, तो हम हमारी प्लानिंग पूरी है कि हमको उस पर जाने की जरूरत न पड़े। आपको 2-4 महीने 6 महीने के अंदर आपको ये मिलेगा कि ढलाव जो गाजीपुर लैंड पर साइड है उस पर कूड़ा हो जाते हुए नहीं मिलेगा, हर कूड़ा की समस्या का समाधान हम लोग निकाल रहे हैं। उधर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि गाजीपुर तो एक प्रतीक है, इसकी वजह यह है कि दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूरी तरीके से ठप है, कूड़ा जहां से उठता है वहीं से छटनी जरूरी है, लेकिन दोनों सरकार झगड़ा करने के अलावा कुछ नहीं करती। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे जो स्वच्छ भारत अभियान का पखवाड़ा शुरू होने वाला है, और हमने देखा है पिछले 4 वर्षों में क्या हो रहा है, गाजीपुर ही नहीं दिल्ली के अंदर और सैनिटरी लैंडफिल साइट्स की हाइट जो है बढ़ती चली जा रही है और दिल्ली के अंदर गंदगी का अंबार है। हम क्या देख रहे हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से जो पैसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को मिलता है, जो भाजपा शासित म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो भी उसको खर्च नहीं कर पा रही हैं। हम क्या देख रहे हैं, पहली बार प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे नेशनल कैपिटल में सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह ना मिलने के ऊपर वो हड़तालों के ऊपर जाना पड़ता है, जब जाकर के उनको थोड़ी थोड़ी तनख्वाह मिलती है, एरियाज नहीं मिल रहे उनको, समय के ऊपर उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, तो क्या स्वच्छ भारत अभियान है सिर्फ फोटो ऑप करने के लिए इन लोगों ने किया? पैसा इनसे इक्विपमेंट पर खर्च नहीं होता है, सफाई इन लोगों से नहीं रही, हमारे जो गाजीपुर ट्रीटमेंट प्लांट और दूसरे और लैंडफिल साइट्स और दूसरी लैंडफिल साइट्स के बुरे हाल हम लोगों के हो रहे हैं। और मेरे पीछे जो आप ये आंकड़ा देख रहे हैं, इसके जरिए हमारा यही प्रयास है कि सरकार को हम सचेत करें कि देखिए स्थिति किस कदर भयावह हो रही है। एक तरफ कुतुब मीनार है, दूसरी तरफ कूड़े का ढेर है, सिर्फ 8 मीटर की अब ऊंचाई में कमी रह गई है, लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सवाल यही है कि सरकार आखिर कूड़े के निस्तारण की उचित व्यवस्था कब करेगी? कुछ आंकड़ों पर भी गौर फरमाइए। 70 एकड़ में फैला हुआ है गाजीपुर लैंडफिल साइट, यह कूड़े का कुतुब मीनार आप इसे कह सकते हैं। 1984 में गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा फेंका जा रहा है, 1984 से अब तक यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। 2800 मीट्रिक टन कूड़ा रोजाना फेंका जाता है और ऐसे में यह कूड़े का पहाड़ दिन ब दिन और ऊंचा होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए कह चुका है, लेकिन सरकारों की नींद नहीं खुलती। हालात क्या है वो देखिए आप, कुतुब मीनार की ऊंचाई तक पहुंचने वाला है ये कूड़े का पहाड़। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।